गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट का, हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। हम बीए फर्स्ट ईयर की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है राजनीतिक सिद्धांत में हम व्यवहारवाद पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने व्यवहारवाद की विशेषताएं पढ़ा था। आज हम व्यवहारवाद की कुछ विचारक ऐसे हैं जिन्होंने व्यवहारवाद की क्या की है, आलोचना भी की है। व्यवहारवाद की आलोचना है, कमियां हैं, इसकी सीमाएं हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो व्यवहारवाद की आलोचना करने वाले विद्वानों में अर्नाल्ड ब्रेसेट, क्वेश्चन सीधा आ जाए कि व्यवहारवाद की आलोचना करने वाले दो विचारकों का नाम लिखो, तो क्या नाम लिखना है? अर्नाल्ड ब्रेसेट, लियो स्ट्रॉस, अल्फ्रेड सिबली है पूरा नाम इसका, किर्कपैट्रिक रॉबर्ट डेल और कार्ल डायच। सीधा क्वेश्चन है व्यवहारवाद की आलोचना तथा सीमाएं। व्यवहारवाद में भी हमारे को पता है विभिन्न प्रकार की दुर्बलताएं थी, व्यवहारवाद में भी कमियां थी। तो कुछ आलोचकों ने व्यवहारवाद की क्या की है, कमियां बताई है, सीमाएं बताई है। तो आ जाए क्वेश्चन की व्यवहारवाद की आलोचना करने वाले विद्वानों के नाम बताओ, या किन किन विद्वानों ने व्यवहारवाद की आलोचना की है। तो अर्नाल्ड ब्रेसेट, लियो स्ट्रॉस, सिबली, किर्कपैट्रिक, रॉबर्ट डेल और कार्ल डायच, ये वो विद्वान है जिन्होंने व्यवहारवाद की क्या की है, कमियां निकाली है, व्यवहारवाद की आलोचना की है। इस बात का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन काफ़ी बार कंपटीशन एग्जाम में भी आया है। कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ऐसे आता है, इनमें से कौन सा विचारक व्यवहारवाद का आलोचक नहीं है? तो बाकी नाम तो ये दे देंगे, अर्नाल्ड ब्रेसेट, लियो स्ट्रॉस, किर्कपैट्रिक, रॉबर्ट डेल, और एक नाम वो डाल देंगे जिसने व्यवहारवाद की क्या नहीं की, आलोचना नहीं की। तो हमारे को ध्यान रखना है, तो इसलिए ध्यान रखना। और छोटा वाला दो नंबर का जो क्वेश्चन आता है हमारे, वो काफ़ी बार आया हुआ है। तो व्यवहारवाद के आलोचक है ये अर्नाल्ड ब्रेसेट, लियो स्ट्रॉस, सिबली, किर्कपैट्रिक, रॉबर्ट डेल और कार्ल डायच। मैंने बताया कि व्यवहारवाद में अनेक दुर्बलताएँ थी और जिसके कारण इसकी क्या की गई, आलोचना की, और इन विद्वानों ने इसकी आलोचना की। अब व्यवहारवाद की क्या क्या आलोचना की, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है असाहित्यिक भाषा, असाहित्यिक भाषा व्यवहारवाद की आलोचकों ने, विद्वानों ने कमी बताई है कि यह क्या है, इसकी भाषा है। व्यवहारवादी लेखन है वो साहित्यिक दृष्टि से असुंदर एवं अरोचक है। साहित्यिक जो दृष्टि है उससे क्या है, ये असुंदर वह अरोचक है। मतलब साहित्य की भाषा है उसकी ढंग से नहीं की गई है, असाहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है और ये असुंदर और अरोचक है। असुंदर और क्या है, अरोचक है। व्यवहारवादी लेखन है वो साहित्यिक दृष्टि से असुंदर एवं अरोचक होता है। उनकी अपरिचित शब्दावली, इनकी जो जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वो क्या है, अपरिचित है। तो ये अपरिचित शब्दावली, इसके कारण इसको क्या कहा जाता है कि व्यवहारवाद है। इसकी कमी क्या है, ये असाहित्यिक भाषा है। मतलब इसमें सही भाषा का, सुंदर भाषा का, रोचक भाषा का, परिचित भाषा का या परिचित शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया, तो इस बात का ध्यान रखना है। पहली जो आलोचना है वो क्या की गई है, असाहित्यिक भाषा। दूसरी है वो अत्यधिक शब्दाडंबर। दूसरी व्यवहारवाद की आलोचना है अत्यधिक शब्दाडंबर। इसमें कहा गया है कि व्यवहारवादी जो विचारक है, इन्होंने जिस भारी भरकम शब्दावली का प्रयोग किया गया है उसके कारण ऐसा प्रतीत होता है कि यह केवल एक शब्दाडंबर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसमें विभिन्न प्रकार के बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसके कारण यह क्या है सिर्फ एक शब्दाडंबर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा शब्दावली का प्रयोग किया गया है, तो ये कह सकते हैं, आलोचना कर ली उन्होंने, आलोचना की है कि ये एक शब्दाडंबर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जिस प्रकार निरर्थक दलीलें दिया करते हैं उसी प्रकार आधुनिक विद्वान केवल शब्द जाल को ही, आधुनिक विद्वान है केवल किसको, शब्द जाल को ही क्या कहते हैं, व्यवहारवाद कहते हैं। तो आलोचकों ने इसकी आलोचना की है।
तो अत्यधिक शब्दाडंबर, इस बात का ध्यान रखना है। तीसरा है प्राविधिक तकनीकों पर अत्यधिक बल, तीसरी आलोचना है वो प्राविधिक तकनीकों पर तीसरी इसकी आलोचना है वो प्राविधिक जो तकनीकें हैं उस पर अत्यधिक बल। व्यवहारवाद ने जो आधुनिक राजनीति विज्ञान है उसको अधिक वैज्ञानिक बनाने के लिए किस पर बल दिया, तकनीकों पर अधिक बल दिया, और ये क्या है इसकी कमी हो गई। परंपरावादी व्यवहारवादियों पर प्राविधिक नवीनताओं पर बहुत अधिक जोर देने का आरोप लगाते हैं और शिकायत करते हैं कि वे शोध के उपकरणों को परिष्कृत बनाने का अधिक ध्यान देते हैं और इस बात पर कम ध्यान देते हैं कि उनके शोध का उद्देश्य क्या है। शोध के उद्देश्य को वो क्या हो गए हैं, ज़्यादा प्राविधिक पद्धतियाँ या वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग करने के कारण ये भूल गए हैं व्यवहारवादी कि उनका शोध वो किस उद्देश्य से कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है। ज़्यादा पद्धतियों का प्रयोग करने के कारण ये अपना मूल विषय है उसको भी भूल गए हैं। चौथी जो आलोचना है वो है मूल्य निरपेक्षता का आग्रह। मूल्य निरपेक्षता का आग्रह है, इसमें हमने पढ़ा था कि परंपरागत राजनीति विज्ञान में मूल्य है, आदर्श है, नैतिकता है, इसका अध्ययन किया जाता था, परंतु जो व्यवहारवादी है उसने मूल्य निरपेक्ष कि मूल्य का क्या नहीं करना है, अध्ययन नहीं करना है, सिर्फ अध्ययन किसका करना है, तथ्यों का अध्ययन करना है। तो ये कहते हैं व्यवहारवादी मूल्य निरपेक्षता में विश्वास करते हैं, वे निष्पक्ष एवं तटस्थ रहना चाहते हैं, वे नैतिक आदर्शों को नहीं मानते हैं। वे जो परंपरागत जो नैतिक आदर्श है उनको क्या नहीं करते हैं, उनको नहीं मानते हैं। वो राजनीति विज्ञान में मूल्यों को छोड़कर ही क्या करना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं। उनका विश्वास तथ्यों में अधिक है, जो व्यवहारवादी है उनका विश्वास किस में है, तथ्यों में, फैक्ट्स में अधिक है कि वर्तमान में हमारे समस्या क्या है, वो उसी बात का ध्यान रखते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना है। वे इसमें विश्वास करते हैं कि क्या हो रहा है, वे इसमें विश्वास करते हैं व्यवहारवादी, क्या हो रहा है इस बात में क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। जबकि हमने पढ़ा था क्या होना चाहिए, परंपरागत राजनीति विज्ञानी है वो क्या मानते थे, क्या होना चाहिए इस पर ध्यान देते थे, जबकि ये क्या हो रहा है इसकी बात का क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। तो इसी के आधार पर इन्होंने क्या किया है, आलोचना की, आलोचना करने वालों ने, विभिन्न विद्वानों ने, जो अर्नोल्ड ब्रेस्ट है, लियो स्ट्रॉस है, सिब क्रिक पैट्रिक है, अल्फ्रेड शिबली है, इन्होंने कहा है कि इन्होंने मूल्यों को बिल्कुल ही क्या कर दिया, छोड़ दिया, जो राजनीति विज्ञान में क्या नहीं है, संभव नहीं है। हालांकि थोड़ा बहुत हमारे को आदर्श है, नैतिक आदर्श है, इनको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, इनको छोड़कर हम अध्ययन नहीं कर सकते। अगली जो आलोचना की है वो लोकतांत्रिक मूल्य व्यवस्थाओं के प्रतिकूल, लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं हैं के प्रतिकूल है, लोकतांत्रिक जो मूल्य व्यवस्थाएं हैं उसके ये क्या है, प्रतिकूल है, मतलब उसके लिए अनुकूल नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ये क्या नहीं है, सही नहीं है। तो विभिन्न विचारकों ने इसकी क्या की, आलोचना की है, और उन्होंने कहा है कि व्यवहारवादी राजनीति शास्त्रियों द्वारा निरूपित सिद्धांत एवं जो ये प्रस्तावनाएं हैं ये लोकतांत्रिक जो मूल्य व्यवस्थाएं हैं उनके लिए क्या है, प्रतिकूल है। लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो बुनियादी आधार है, वो सामान्य जनता की विवेकशीलता में विश्वास होता है। लोकतांत्रिक जो शासन है उसमें क्या होता है, सामान्य विश्वास यही है कि जनता में विश्वास है या नहीं है, इसकी विवेकशीलता में विश्वास है, और जिसके कारण उसे राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी का समान अधिकार क्या है, प्राप्त है। सभी जो लोग होते हैं, जनता होती है, उसको राजनीतिक प्रतिक्रिया में क्या है, समान भागीदारी होती है। जिस प्रकार से चुनाव लड़ना है, मत देना है, तो इनमें सभी लोगों को क्या है, समान भागीदारी है। तो इनके आधार पर भी क्या कहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में प्रतिकूल है, इससे सभी लोगों को क्या नहीं मिलती है, समानता का अधिकार नहीं मिलता है। अगली जो विशेषता है वो है अनुभववादी धारणा है वो एकांगी। छठी आलोचना है वो है अनुभववादी
धारणा है वो क्या है, एकांगी है। इन्होंने व्यवहारवाद में अनुभव आश्रित, मतलब अनुभव पर आधारित जो अध्ययन किया है, ये धारणा क्या है, एकांगी है। ये धारणा क्या है, एकांगी है। व्यवहारवादी उपागम प्रमुख रूप से अनुभववाद पर ही आधारित है और व्यवहारवादियों की मान्यता है कि हम अपने समस्याओं के लिए दूसरों के अनुभव और धारणाओं पर निर्भर क्यों रहे। और ये व्यवहारवादी अनुभववादी धारणा पर आधारित है और ये धारणा क्या, एकांगी, एक ही पक्ष का अध्ययन करता है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि व्यवहारवादी है वो कहते हैं कि हम अपनी समस्याओं के लिए दूसरों के अनुभव और धारणाओं पर निर्भर क्यों रहे। हम अपने समस्याओं और जो हमारी धारणाएं हैं उस पर दूसरों पर निर्भर क्यों रहे, हम खुद क्या बने, आत्मनिर्भर बने। ये जो इनकी धारणा है वो क्या है, एकांगी प्रवृत्ति की है। अगला है बंद समाजों के अध्ययन के लिए अनुपयुक्त। सातवीं जो आलोचना है वो है बंद समाजों के लिए, बंद समाजों के लिए अनुपयुक्त है। बंद समाजों के लिए क्या है, अनुपयुक्त है। बंद समाजों के लिए अनुपयुक्त किस प्रकार है, व्यवहारवाद अध्ययन एवं शोध हेतु जिन तकनीकों को अपनाना चाहता है उनके प्रयोग बंद दरवाजों में संभव नहीं है। व्यवहारवाद है वो जिन तकनीकों को अपनाना चाहता है, शोध हेतु जिन तकनीकों को अपना रहा है वो बंद समाजों में संभव नहीं है। उदाहरण के लिए अधिनायकवादी व्यवस्था में राजनीतिक सर्वेक्षण संभव नहीं है। अधिनायकवादी, अधिनायक का मतलब होता है जहाँ ऐसा शासन जहाँ पर सब कुछ किसी एक ही व्यक्ति या संस्था के हाथ में हो, तो उन जो बंद समाज है उसके लिए ये क्या नहीं है, अनुपयुक्त है, ये उपयुक्त नहीं है। उनका हम स्वतंत्र रूप से क्या नहीं कर सकते, अध्ययन नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखना है। तो वो लोग अपना सही है वो समस्या का समाधान नहीं बता पाएंगे। अगली जो आलोचना है वो है अत्यधिक खर्चीली पद्धति, अत्यधिक खर्चीली पद्धति है। खर्चीली कैसे है कि व्यवहारवाद विभिन्न प्रकार की वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं, तो इससे क्या लगेगा, प्रयोग करेंगे तो उसे खर्चा बढ़ेगा, तो ये बहुत ज़्यादा क्या हो गई है, खर्चीली हो गई है। व्यवहारवाद अत्यधिक खर्चीली पद्धति है। व्यवहारवादी अध्ययन बहुत ही खर्चीला है। दूसरे महायुद्ध के पश्चात अरबों डॉलर पर इस व्यवहारवादी अध्ययन पर क्या किए गए, खर्चे किए गए। दूसरे विश्व युद्ध 1945 के बाद में इस व्यवहारवादी अध्ययन पर इन्होंने विभिन्न प्रकार की तकनीकें, ग्राफ, आंकड़े इकट्ठे करने के लिए क्या किए, विभिन्न प्रकार के खर्चे किए गए, जिसका लाभ इनको जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाया। अगली जो आलोचना है वो है राजनीतिक व्यवहार का मापन है वो असंभव। राजनीतिक व्यवहार का मापन क्या है, असंभव। किसी भी मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का या व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का मापन करना संभव नहीं है। व्यवहारवादी जिस तरह के आंकड़े इकट्ठा कर लेते हैं वो सही नहीं होते हैं। ये आंकड़े इकट्ठा करते हैं पर जो आंकड़ा इकट्ठा करते हैं वो सभी सही नहीं हो सकते। राजनीति और राजनीतिक व्यवहार जैसे अमापनीय को मापना हास्य पर लगता है। राजनीतिक व्यवहार जैसे मतलब मनुष्यों के राजनीतिक व्यवहार को मापना अमापनीय है, इसको माप नहीं सकते, और अगर उसको मापना ये बताते हैं तो ये क्या है, हास्यास्पद है, ये सही नहीं है। मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का मापन करना संभव नहीं है। अगली जो आलोचना है वो अन्य पद्धतियों के महत्व को नकारना। अन्य जो पद्धतियाँ हैं उनके महत्व को इन्होंने क्या कर दिया, अन्य पद्धतियों के महत्व को नकारना। ये सिर्फ तथ्य की बात करते हैं, वैज्ञानिक विधियों की बात करते हैं, तो और जो पद्धतियाँ हैं उनके महत्व को व्यवहारवाद ने क्या कर दिया है, नकार दिया है। व्यवहारवादी अन्य पद्धतियों के महत्व को स्वीकार नहीं करते। इस संबंध में हमने पढ़ा आलोचक कौन, अल्फ्रेड सीबली, इसने आलोचना की है। अल्फ्रेड सीबली ने व्यवहारवाद की आलोचना करते हुए कहा है कि राजनीति का अध्ययन यदि केवल इसी आधार पर नहीं करना है कि व्यक्ति का व्यवहार निर्दिष्ट परिस्थितियों में क्या हो सकता है। अल्फ्रेड सीबली ने कहा है कि राजनीति का अध्ययन केवल इसी आधार पर नहीं करना है कि व्यक्ति का व्यवहार निर्दिष्ट परिस्थितियों में क्या हो सकता है, परंतु इस आधार पर भी किया जा सकता है कि वह आज क्या है, कल क्या था, भविष्य में क्या होगा और उसे कैसा होना चाहिए। तो ये बोलते हैं व्यवहारवादी सिर्फ इतना ही करते हैं, जबकि इन सब बातों का क्या करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। तो अल्फ्रेड सीबली ने अगला है वो सूक्ष्म अध्ययन के निष्कर्षों को
व्रत स्तर पर लागू करने की समस्या, सूक्ष्म स्तर के अध्ययन को वृहत स्तर पर लागू करने की क्या है समस्या है। हम किसी भी वैज्ञानिक प्रविधि से अगर कोई किसी चीज़ का मेजरमेंट मापतोल निकाल भी लेते हैं तो वो हम सूक्ष्म स्तर पर निकालते हैं, उसको वृहत स्तर पर लागू नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ी समस्या है। व्यवहारवाद की एक समस्या सूक्ष्म वृत्त विश्लेषण के पारस्परिक संबंधों का संतोषप्रद उत्तर देने की है। इसमें यही है, सूक्ष्म अध्ययन करके उसके निष्कर्षों को वृत्त आकार की इकाइयों पर लागू करने का प्रयास कितना तर्कपूर्ण और वैज्ञानिक होगा। हमने कोई भी निकाला है वो छोटे स्तर पर निकाला है और उसको बड़े स्तर पर लागू, जिस प्रकार से भारत के हम छोटे समाज का एक लेते हैं और पूरे देश पर लागू करना वो क्या नहीं है, संभव नहीं है। तो ये भी इसकी बहुत बड़ी कमी है। अब हमने आज व्यवहारवाद है तो व्यवहारवाद की ये जो आलोचनाएँ हैं इनका अध्ययन किया। हालांकि व्यवहारवाद में कमियां भी है परंतु व्यवहारवाद का महत्व भी है। व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये हमारा व्यवहारवाद है, ये पूरा कंप्लीट हो गया, इस बात का ध्यान रखना है। तो व्यवहारवाद का राजनीति विज्ञान में महत्व भी है और महत्व है इसका हम आगे की क्लास में अध्ययन करेंगे। तो इस व्यवहारवाद है ये बहुत रोचक टॉपिक है, इसको दो तीन बार ढंग से अध्ययन करना और यहीं से अगर हमने अध्ययन कर लिया तो आगे हमारे समझ में आ जाएगा कि परंपरागत राजनीति विज्ञान क्या है और आधुनिक क्या है। हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करते रहे। जय हिंद, जय भारत।